हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो। तो दिस इज़ कोविद दिस साइड, और आज हम आए एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में भी हम एक पज़ल कवर करेंगे, ठीक है? तो पज़ल पर जाने से पहले एक दिल दहलाने वाली घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुई है। तो सबसे पहले वीडियो को शेयर करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम कोविद है, मतलब COVID नहीं है, KOVID है। तो सी और के आजकल मेरी लाइफ में काफ़ी फ़र्क डाल रहे हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि तो मुझे लगता है इसी वजह से काफ़ी लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मैं करोना वायरस पर बनाऊंगा, पर एक्चुअली वो नहीं है। तो मैं, हाँ, एक इंसिडेंट शेयर कर रहा था। तो इंसिडेंट क्या हुआ कि रिसेंटली मेरा एक चालान कटा, तो ठीक है, क्योंकि मैंने मास्क नहीं डाला था, जो कि हाँ सही चीज़ है। तो पुलिस वाले ने चालान भर दिया 500 रुपये, और उसके बाद वो मेरा नाम पूछ रहा। तो मैंने कहा कि कोविड। तो वो कहता कि सर वो तो ठीक है, नाम बताओ अपना। तो फिर से मैंने कोविड का, तो उसे समझ नहीं आया। तो उसने फिर कहा कि अच्छा तेरा नाम कोविड है। उसने फिर पेपर पर COVID लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो ना चालान काट के अपने साथियों को दिखा रहा, देखो मैंने कोविड का चालान काटा, कोविड का चालान काटा। तो वो तो काफ़ी खुश हो रहा था, पर मेरे लिए वो काफ़ी एम्बेरेसिंग मोमेंट था। चलो, तो वही फिर उसको मैंने कहा कि सी नहीं है, की है। तो फिर जाके थोड़ा उसके चेहरे पे मायूसी आई कि कोविड नहीं है, कोविड है। तो और रिसेंटली डीशाओ में भी मेरे काफ़ी टीममेट्स इस बात का काफ़ी मजाक उड़ाते हैं, मेरा नाम कोविड कोविड करके। तो कोविड नहीं, कोविड कोविड करके। तो मतलब वीडियो स्टार्ट करने से ही बता रहा हूँ मैं, मेरा नाम कोविड है ना कि कोविड, तो वो देख लेना थोड़ा, ठीक है। तो चलो पजल की तरफ चलते हैं। तो और हम इसमें बेस केस से ही स्टार्ट करेंगे, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब पजल देख पा रहे हो, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे इस पजल को ही आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है 5 पायरेट्स और 100 गोल्ड कॉइन्स का। काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, पर जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा या पहले सॉल्व नहीं करा, तो चलो कोई बात नहीं, इकट्ठे सॉल्व करते। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर आते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि 5 पायरेट हैं, उनका एज ग्रुप अलग अलग है, जैसे पहला 50 साल का, दूसरा 40, तीसरा 30 और चौथा 20 और पाँचवा 10 साल का। तो क्या होता है कि वो एक आइलैंड पर पहुँचे हैं और आइलैंड के ऊपर 100 गोल्ड कॉइन है, ठीक है। तो ये आइलैंड है, तो ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो आइलैंड पर पहुंचे हैं और उन्हें ना वो गोल्ड कॉइन्स अपने आप में डिवाइड करने हैं, जैसे मान लो इसको 10 मिल गए, इसको 20, इसको 30, इसको 40, इसको 0, ठीक है, ऐसे कुछ डिवाइड करना है। और ये वाला जो प्रपोजल हमने रखा है वो हमेशा रखेगा सीनियर मोस्ट पायलट, ठीक है। इसको अभी के लिए हटा देते हैं प्रपोजल को, ताकि कन्फ्यूजन ना हो किसी को, ठीक है। तो ये सीनियर मोस्ट पायलट है, हमेशा प्रपोजल रखेगा। तो मान लो इसने एग्जांपल प्रपोजल रखा, इसको 50 मिलेंगे, इसको 20 मिलेंगे, बाकियों को 10 10 मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये तो अपना प्रपोजल एक्सेप्ट ही करेगा क्योंकि इसने प्रपोज करा है, और बाकी चार हैं ये, इनका वोट येस को भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। इसका मान लो नो है, इसका भी नो है, इसका भी नो है, इसका मान लो येस है। अभी हम अज्यूम करें तो इसमें क्या हुआ, इसके 2 येस मिले और 3 नो मिले। तो इन शॉर्ट इसका वोट्स नॉट इक्वल टू, इसके भी 40% वोट्स आए हैं, ठीक है। तो जो कि 50% या उससे ज़्यादा नहीं है, तो इस केस में क्या होएगा, इस पायलट को शिप से नीचे फेंक देंगे और बाकी 4 पायलट्स रह जाएंगे, मतलब फिर बी सी डी रह जाएंगे अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता तो, ठीक है। तो फिर उस केस में फिर बी प्रपोज करेगा ऐसे ही, अगर बी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता तो सी करेगा ऐसे, फिर डी करेगा ऐसे, फिर ई करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इस सबको हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो गई, और इसको भी हटा देते हैं ये एग्जाम्पल प्रपोजल को। तो इन शॉर्ट वो हमें कह रहा है कि हमें ना एक ही वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। इसका मतलब इन शॉर्ट अगर देखें कि हमें ऐसा कोई सोल्यूशन बताना है जिसमें ये कुछ भी प्रपोज करे और वो कम से कम 3 लोग एक्सेप्ट करें, इंक्लूडिंग ए, मतलब ए बी सी एक्सेप्ट करें, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, मतलब ए बी सी एक्सेप्ट करें और डी और ई रिजेक्ट करें, मतलब 2 इस साइड पे होने चाहिए और 3 इस साइड पे लोग, ठीक है। तो उसको सीधे आंसर पे जाने के बजाय हम इसको केस बाय केस देखेंगे, और हमेशा हम अपनी स्टार्टिंग बेस केस से करेंगे।
तो इस वीडियो सीरीज का मेन फोकस यही है कि बेस केस को हमेशा हमेशा देखना है और वहीं से स्टार्ट करना है, सॉल्व करना, ठीक है। और इस वीडियो इस अप्रोच को बताने से पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी वीडियोस को 10 सेकंड के लिए पॉज कर लें और थोड़ा इस क्वेश्चन को सोचें, और अगर आप फिर भी नहीं सोच पा रहे हो तो कोई बात नहीं, इसको इकट्ठे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो अब केस वन पे चलते हैं, ठीक है। केस वन में एन को हम ले लेते हैं नंबर ऑफ पायरेट्स, ठीक है। अब जैसे कि केस वन है तो एन इक्वल टू वन है, तो हमें सोचना है कि क्या वो क्या होता अगर ई है जो हमारा यंगेस्ट पायरेट, ठीक है, अगर वो आइलैंड पे अकेला पहुंचता तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन को प्रपोज करता, ठीक है। यहाँ पे 100 कॉइन है और ये आइलैंड है, तो उस केस में काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, ये सारे 100 कॉइन्स खुद को ही प्रपोज कर लेता कि 100 कॉइन्स मुझे मिलेंगे, जो कि बिट ऑब्वियस है। तो ठीक है, ये याद रख लेना कि ई अगर अकेला हो तो उसे पता है कि 100 के 100 कॉइन उसके हैं, ठीक है। और अगले केस पे जाने से पहले हमें देखना कि एक पायरेट दूसरे पायरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच पा रहे हैं। मान लो कि ई सोच पा रहा है डी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि मतलब मान लो ई सोच पा रहा है कि अगर डी और ई हो तो उसे कितना मिलेगा, अगर सी डी हो तो उसे कितना मिलेगा। तो मतलब ऑल आर इक्वली वाइज एंड वी हैव टू थिंक ऑफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो अब केस टू पे चलते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ पायरेट्स है 2, एन इक्वल टू 2, तो अब क्या होगा, दो पायरेट्स होंगे डी और ई। अब इसमें डी आपको पता है एल्डर पायरेट है, एज 20 है, इसकी एज 10 है, ये यंगर है ई। तो इस केस में प्रपोजल कैसे होगा, क्योंकि ये सीनियर पायरेट है, ये प्रपोज करेगा डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्योंकि सीनियर है, ये खुद को तो 100 ही प्रपोज करेगा और दूसरे वाले को 0 देगा। अब देखते हैं कि ये इसका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डी प्रपोज करे वो तो हमेशा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ये इसका वोट यस आ गया। और ई क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा वो तो नो ही प्रपोज करेगा, और ई के नो प्रपोज करने का दूसरा रीज़न है कि उसे पता है अगर डी डी थ्रोन हो गया तो वो फिर से वापस केस वन बन जाएगा जिसमें उसको 100 कॉइन्स मिलेंगे, इसलिए वो हमेशा इस प्रपोजल को रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें वोट काउंट यस का आया है, यस इक्वल टू 50%। तो क्योंकि प्रपोजल ग्रेटर देन इक्वल टू 50% है तो हमारी ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दो के केस में डी और ई जब है तो प्रपोजल आएगी हमारी 100-0, इसको लिख लेते हैं एज अ सेट की तरह। अब केस थ्री की तरफ चलते हैं, ठीक है। केस टू में जैसे डी प्रपोज करे खुद को 100 और 0, और केस वन में ई प्रपोज करे खुद को 100, ठीक है। अब केस थ्री में क्या होगा, इसमें तीन पायरेट पहुंच रहे हैं, सी डी और ई, इसमें पायरेट है सी डी और ई, ठीक है। तो एन इक्वल टू 3 है, तो इसमें चलो देखते हैं कि प्रपोजल क्या होगा। तो इसमें मान लो कि अगर वो केस देखते हैं पहले, कि अगर सी खुद को 100 प्रपोज कर रहा है, डी को 0 और ई को 0, ठीक है। तो इस केस में क्या देखते हैं, पहले सी का तो वोट ऐसे ही होगा क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेगा, इस केस में डी का वोट होगा नो, क्योंकि उसे पता है कि अगर हम केस थ्री अगर रिजेक्ट हो गया तो हम केस टू पे फॉल बैक करेंगे, और केस टू में उसे 100 कॉइन्स मिल जाएंगे जो कि वो हमेशा चाहेगा, और 0 कॉइन तो वो चाहेगा ही नहीं, वो चाहेगा कि मेरे को 100 कॉइन मिल रहे हैं अगर केस टू से, जब सी डी थ्रोन हो जाएगा तो मैं इसको क्यों ही वोट करूँ, चाहे मेरे को ये जितने मर्जी दें, चाहे ये मेरे को 99 दे, तब भी मैं इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो चलो ई पे आते हैं, ठीक है। ई का वोट क्या होगा यहाँ पर, तो ई हमेशा नो ही वोट करेगा, ऐसा क्यों आप पूछोगे, कि केस टू में भी ई का वोट नो है, यहाँ पे भी नो है, वहाँ पे भी केस टू में भी कुछ नहीं मिल रहा, केस थ्री में भी कुछ नहीं मिल रहा, तो उसका वोट नो क्यों है। तो इसका ये मेन रीज़न है क्योंकि उसको उम्मीद होगी कि केस टू पे पहुँचेंगे तो कुछ हो सकता है उसका, तो इसलिए उसका वोट नो ही रहेगा, ठीक है। तो इस केस में वो प्रपोजल क्या आएगा हमारा, हमारा 33% यस है जो कि एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेड। तो
इस केस में सी को कुछ बेटर प्रपोज करना पड़ेगा। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सी ने, सी अगर ये प्रपोज करता तो क्या होता। अब चलो कोई और केस देख ले, जैसे मान लो सी अब प्रपोज कर रहा है 99, 0 और 1, ठीक है। इस केस में ये हमेशा एक्सेप्ट करेगा क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इसने प्रपोज करा है। इस केस में डी है जो हमारा, वो इसका प्रपोजल रिजेक्ट करेगा चाहे इसको 99 क्यों ना दे, क्योंकि उसे पता है कि जब केस टू पे फॉल बैक करेंगे तो उसको 100 मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में नो है। इस केस में हमारा ई भी प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर केस टू पे फॉल बैक करके मैंने नो वोट करा तो हम केस टू पे फॉल बैक कर जाएंगे जब डी और ई बच जाएंगे। तो जब डी और ई बच जाएंगे उसे कुछ नहीं मिलेगा, उसे 0 कॉइन मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। वैसे ई को भी पता है, तो ई क्या करेगा, वो अपना 1 कॉइन ले लेगा और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस केस में वोटिंग क्या आई हमारे पास, इस केस में आए हमारे 66% यस आया, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा प्रपोजल, ठीक है। तो तीन के केस में सोच पा रहे हो कि जो सीनियर मोस्ट पायरेट है सी, वो प्रपोजल को कुछ इस तरीके से प्रपोज करेगा। तो चलो अब केस फोर पे आते हैं, क्योंकि केस थ्री हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो उसी के बाद केस फोर पे चलना, ठीक है। तो केस फोर में क्या होगा कि हमारे चार पायरेट्स आएंगे, बी सी डी ई, ठीक है। तो इस केस में बी हमारा एल्डेस्ट पायरेट है जो प्रपोजल को प्रपोज करेगा। अब हमें बताना है कि बी क्या प्रपोजल प्रपोज करे कि उसके पास सबसे ज़्यादा कॉइन्स हो, ठीक है। तो इस केस में पहला सबसे आइडल केस होगा कि बी सी डी ई में बी ने प्रपोज करा 100, 0, 0, 0, ठीक है। तो इस केस में इसका वोट यस हो गया, इसका वोट क्या होएगा, नो, क्योंकि इसे पता है केस थ्री में जब फॉल बैक करेंगे, अगर इसे हमेशा नो ही वोट करना है क्योंकि इसको पता है कि केस थ्री में ये अपने कॉइन्स को मैक्सिमाइज कर पाएगा, 99 कॉइन्स ले पाएगा ये, ठीक है। तो वो नो वोट करेगा ताकि, क्योंकि इसके फेवर में नहीं है ये। वैसे ही डी की बात करें तो डी क्या वोट करेगा, डी को पिछली बार केस थ्री में अगर डी मान लो नो वोट करता है, उसे पता है कि केस थ्री पे फॉल बैक करेंगे, जब केस थ्री में उसको 0 कॉइन्स मिल रहे हैं और यहाँ पे भी 0 मिल रहे हैं, तो भी वो नो ही वोट करेगा और यहाँ पे भी वो नो ही वोट करेगा, ठीक है। ई भी नो ही वोट करेगा, तो इस केस में प्रपोजल आया हमारा 25% यस, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब बी सोचेगा कि मैं इससे बेटर वे क्या करूं कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए। तो बी क्या करेगा, इस केस में डी को भी 1 कॉइन दे देगा। तो चलो देखते हैं ये कैसे काम करेगा। तो सी को पता है कि केस थ्री में जाएगा तो उसको 99 कॉइन्स मिल ही रहे हैं, तो वो नो वोट करेगा। डी को पता है कि अगर उसने यहाँ पे नो वोट करा, यहाँ पे उसको 1 कॉइन मिल रहा है, अगर उसने नो वोट करा तो केस थ्री में फॉल बैक करेंगे जहाँ पे उसको 0 कॉइन मिलेगा, तो वो तो हमेशा यस ही वोट करेगा क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो वैसे ही ये भी नो वोट करेगा ई, क्योंकि ई को केस थ्री में 1 कॉइन मिल रहा था जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही ये प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा विद 50% यस, ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि प्रपोजल होना चाहिए 50% और मोर पीपल का, मतलब 50% और मोर वोट्स का, तभी एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रपोजल आया इस केस में 99, 0, 1, 0, 1, 99, 0, 1, 0, सॉरी। ठीक है, अब केस फाइव पे चलते हैं जो कि आंसर होना चाहिए हमारा। तो यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे, तो इसको पर कोई नहीं, हम फिर से करते हैं। इस केस में सीनियर मोस्ट पायरेट आएगा ए, तो वो देखते हैं कि क्या प्रपोज करता है। इस केस में ए प्रपोज करेगा, ठीक है, वो 98 खुद को देगा, बी को 0, सी को 1, डी को 0, ई को 1, ठीक है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो इस केस में वोटिंग चलो पहले देख लेते हैं। ये हमेशा यस वोट करेगा, ठीक है। बी इस केस में नो वोट करेगा क्योंकि उसे पता है कि अगर केस फोर पे फॉल बैक करके उसको 99 कॉइन्स मिल रहे हैं, ठीक है। अगर ए डी थ्रोन हो गया तो हम केस फोर पे फॉल बैक करेंगे और वहाँ पे उसको 99 कॉइन्स मिल रहे हैं, तो वो हमेशा वही आइट्रेशन उसके फेवर में होगी, तो इसलिए उसका वोट नो हो जाएगा। और सी की बात करते हैं,
इटरेशन केस फोर में क्या हो रहा है कि सी को 0 कॉइन मिल रहे हैं, बट यहाँ पे उसको 1 मिल रहा है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसे पता है अगर केस फोर को फॉल बैक कर गए तो आइट्रेशन बी के फेवर में आ जाएगी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। और यहाँ पे उसको 1 कॉइन मिल रहा है और आइट्रेशन फोर में उसको 0 कॉइन मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बी सी डी ई है। थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, ये क्योंकि 4 लोग हो गए और ये 5 लोग हो गए, तो उसका वोट हमेशा येस को जाएगा, ठीक है, और डी का वोट नो को जाएगा क्योंकि उसको ऊपर 1 मिल रहा था, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे कम होगी उसकी मनी, तो वो नो प्रपोज करेगा। और ई हमेशा येस करेगा यहाँ पे क्योंकि उसको अगर केस फोर पे फॉल बैक कर गए तो उसे 0 मिलेंगे, जो वो बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे वोट्स कितने आ रहे हैं, हमारे आ रहे हैं 60% येस के वोट्स, ठीक है, जो हमारा आंसर होगा। तो आइडल प्रपोजल जो ए प्रपोज करेगा उसका आंसर होगा 98-01-01, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। और तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी और इस पजल में कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आप सबके लिए एक होमवर्क है। अब आप सबको क्या करना है कि ये वाला केस ट्राई करना है, 100 पायरेट्स और, ठीक है, सॉरी, 100 गोल्ड कॉइन्स और 6 पायरेट्स का, 100 कॉइन्स और 6 पायरेट्स का। और इसका जो भी आंसर है, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछते हैं, जैसे कि गूगल और कोऑर्डिनेशन का भी ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा, तो उसके लिए आपको बस इस वीडियो को बार बार देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली बार, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और नए जोश के साथ। चलो, टिल देन, बाय, स्टे सेफ एवरीवन, थैंक यू।